गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 16 जय वर्णम में पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हमारा शरीर क्या है, ऊर्जा प्राप्त करता है और हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त ये प्रोटीन जो होते हैं, नाइट्रोजन युक्त आपके जैविकीय यौगिक होते हैं जो प्रकृति में भूताल में पाया जाता है, जैसे कि दूध, पनीर, दालें, मछली आदि सभी में प्रोटीन क्या होता है, मुख्य रूप से प्राप्त होता है। यह ये जो शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है और शरीर की संरचना के निर्माण में भागीदारी होता है। ठीक है, तथा शरीर की विभिन्न रासायनिक जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेती है और ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार हम देखें तो सभी प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्ल की इकाई से बने होते हैं और लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। एक प्रोटीन में देखें या एक प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी एमिनो अम्ल की बहुत सारी यूनिट क्या होती है, आपके जुड़ कर क्या करती है, प्रोटीन्स का निर्माण करती है। प्रोटीन जो है कि वृहद कार्बनिक अणु होता है जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके साथ साथ ये प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। यह हमारे भोजन का अनिवार्य घटक भी होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के बिना मनुष्य काफी समय तक जीवित रह सकता है, किंतु प्रोटीन के बिना आपका मनुष्य बहुत ही कम समय में मृत्यु हो जाती है उसकी, यानी कि जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, और यह बहुत सारे जीव द्रव्य का मुख्य अवयव प्रोटीन ही होता है। यह मनुष्य की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और अन्य सुचारू क्रियाकलाप के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विभिन्न प्रोटीन और उनके कार्य के बारे में बात करें तो सबसे जैसे प्रकार देखिए इसका, तो एंजाइम होता है और एंजाइम में क्या होता है, आपका एंजाइम में आपका ट्रिप्सिन, पेप्सिन्स होता है जो जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करता है। उसके बाद संरचनात्मक प्रकार के देखें तो कॉलाजन होता है, केरोटिन होता है, यह दांतों, नाखूनों और बालों की संरचना के रक्षा के लिए कार्य करता है। उसके बाद अभिगमन की बात करें तो हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को धारा को रक्त धारा की ओर ले जाने में सहायता करता है, वहां तक ऊतकों तक पहुंचाने में सहायता करता है। गति की बात करें तो मायोसिन्स हुआ, एक्टिन्स हुआ जो मांसपेशियों के संचालन में कार्य करता है। और संग्रहण की बात करें तो मायोग्लोबिन होता है, यह क्या करता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, यह उसको उपलब्ध करवाता है। और भंडारगृह की बात करें तो एल्बुमिन हुआ है ना, केसिन हुआ, यह चूजे का भोजन भी होता है। एक तरह से एल्बुमिन जो होता है नवजात शिशु की संपूर्ण भोजन की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखें तो प्रोटीन्स जो होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ तत्वों का क्या होता है, संग्रहण होता है, उनका एक कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सबसे ज्यादा आपका देखा जाए तो कार्बन जो होता है लगभग 50-55% तक उसमें पाया जाता है और सेकेंड वन जो होता है नाइट्रोजन जो होता है 14-18% तक पाया जाता है। प्रोटीनों का वर्गीकरण करें हम तो प्रोटीन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है ना? प्रोटीन का वर्गीकरण तो प्रोटीन का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं हम। पहला जो होता है आपका रेशेदार होता है, ठीक है, रेशेदार प्रोटीन होता है। और दूसरा जो होता है आपका, ठीक है, वह गोलाकार प्रोटीन होता है। ठीक है, दो प्रकार के आपके पास आप प्रोटीन होते हैं, एक तो रेशेदार और एक जो होता है गोलाकार। रेशेदार जो होता है प्रोटीन में लंबे धागे के समान आपकी क्या होती है, संरचना होती है और उसके अगल बगल क्या होते हैं, जो अगल बगल स्थित होकर रेशे बनाते हैं। कुछ स्थानों पर इनमें हाइड्रोजन जो है कि हाइड्रोजन आवरण के द्वारा जुड़े होते हैं, जल में अविलय होते हैं। ठीक है, जल में यह विलय होते हैं, जल में इनकी विलयता रेशेदार प्रकृति के कारण ये जंतु ऊतकों की प्रमुख संरचना के रूप में कार्य करते हैं। जैसे बात करें हम केराटिन की बात करें जो त्वचा, बाल, नाखून, सींग, पंख आदि में पाए जाते हैं। केलोजन की बात करें, अन्य जो आपका है रेशेदार प्रोटीन देखें तो ये केलोजन है, ये त्वचा, हड्डियों और
टेंडोन में पाया जाता है। ठीक है, मायोसिन की बात करें तो मायोसिन आपका क्या है, अस्थि पंजर की मांसपेशियों में, और आपका फाइब्रन, फाइब्रॉइड की बात करें तो यह रेशम में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो होता है आपका गोलाकार प्रोटीन होता है, इसमें जो अणु अणु जो साकित व गोलाकार होते हैं, है ना, इनके जो अणु जो होते हैं वो साकित व गोलाकार होते हैं, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन में उसके अणु क्या होते हैं, वलय होकर संघन यूनिट बनाते हैं जिसकी गोलाकार आकृति होती है, इन यूनिटों में परस्पर संपर्क होता है। ठीक है, और केवल आंतरिक हाइड्रोजन आबंध होते हैं, फलस्वरूप इनमें अंतराणु को आकर्षण बल कम होता है, और ये जल तथा अम्ल क्षार लवण में विलय होते हैं। ठीक है, ये कुछ देखें एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में ये जैविक क्रियाओं के उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हुआ, थायरोग्लोबिन हुआ, ये उपापचय क्रियाओं के लिए नियंत्रित करते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फाइब्रोजन की बात करें तो रक्त का जमना और जमने में सहायक होता है, इसमें विलेय फाइब्रोजन और विलेय रिश्तेदार प्रोटीन्स फाइब्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम एंटीबॉडी की बात करें तो कुछ गोलाकार प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडी के रूप में शरीर के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके जो होते हैं रिश्तेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स को प्राप्त करने की जो बात करें तो हम इनको पौधों के पिसे हुए बीजों अथवा कुचले हुए ऊतकों का से क्रमशः 10% हमारे पास NaCl, 2% KOH और एथिल अल्कोहल के निष्कर्षण के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रोटीन्स के कार्य की बात करें तो प्रोटीन्स के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, शरीर के लिए जो नए जंतु नए तंतुओं का निर्माण करना तथा टूटे फूटे तंतुओं का मरम्मत करना, एंजाइमों का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करना, मांसपेशियों के संचालन में कार्य करना, उसके बाद आप देखिए मांसपेशियों तक ऑक्सीजन का संचालन करना। ठीक है, यह आपके प्रोटीन्स के कार्य होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो प्रोटीन की कमी से हमें देखिए क्लस्टर का रोग हो जाता है ना, जिसमें आपका सूजन आ जाती है, त्वचा सूखी हो जाती है, गंदगी हो जाती है, यकृत की क्रियाशीलता कम हो जाती है और दस्त आने लग जाते हैं। ठीक है, ये आपके प्रोटीन की कमी से होने वाले आपके रोग है। अब प्रोटीन के कार्य देखिए हम, तो प्रोटीन के कार्य आहार के रूप में भोजन के आवश्यक अंगों के रूप में आपके अंडा मांस दाल आदि के लिए आदि में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। एंजाइम के रूप में होता है, ठीक है, जैविक प्रक्रियाओं में हार्मोन्स के रूप में होता है। ठीक है, जो हार्मोन्स इंसुलिन, जैसे आप इंसुलिन की बात करें, ठीक है, रक्त में शर्करा की बात करें, वस्त्र उद्योग में भी क्या किया जाता है, प्रोटीन्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में, वायरस रोगों के उत्पन्न होने वाली बीमारियों के लिए, शरीर की जैविक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है।